झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत समेत कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। मौके पर पांडे ने कहा कि लोकसभा की 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करना है। देश की जनता मोदी की झूठ पहचान चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन से सत्ता पक्ष घबराया हुआ है। आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस हिमाचल वाला प्रदर्शन दोहराएगी। विभिन्न स्तर पर सभी जगह में हमारे जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनका पिछले दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से संगठन को तैयार किया गया है और संगठन की आगे की गतिविधियां और जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं उसको हर संगठन की उसमें भूमिका क्या होगी, चाहे वो लोकसभा का 2024 का चुनाव हो, चाहे राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत दिया गया संदेश हो, इन सभी विषयों को लेकर अलग अलग भागों में संगठन की अलग अलग जिम्मेदारियों का वहन संगठन किस प्रकार से पूरी चुस्ती के साथ मजबूती के साथ करेगा, इसके लिए तीनों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस और हमारे अन्य जो विभाग हैं उनके साथ में बैठक है। तो इन 14 लोकसभा में इन फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिया गठबंधन के हमारे उम्मीदवारों को किस प्रकार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।